डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ की पॉश डिफेंस कॉलोनी की पूर्व सोसाइटी के खिलाफ छठा मुकदमा भी दर्ज हो गया है। गंगानगर थाने में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर महेंद्र सिंह, पूर्व सहायक सचिव हुकुम सिंह, पूर्व लेखा लिपिक रहनुमा खानम, रण सिंह तोमर, अभिनव त्यागी सलमान और अरुण वर्मा को नामजद किया गया है। करोड़ों रुपए के गबन में छठी रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, वह भी तब जबकि शिकायतकर्ता डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेश त्यागी को धमकी भरे फोन मिल रहे हैं। दरअसल डिफेंस कॉलोनी में आवास समिति पदाधिकारियों पर करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन के आरोप लगाते हुए अपर आवास आयुक्त लखनऊ से शिकायत की गई थी। अपर आयुक्त ने सहकारी अधिकारी आवास को जांच के आदेश दिए थे। अपर आयुक्त ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी आदेश दिए हैं। इसे लेकर ही बीते दिवस छठी रिपोर्ट इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इस बारे में शिकायतकर्ता राजेश त्यागी ने यह जानकारी दी। ये 2021 से लगातार सरकार द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। ये कल वाली जो है लगभग छठी FIR है जिसमें करोड़ों का गबन पकड़ा जा रहा लगातार सैनिक सहकारी आवास समिति में। मैंने कल थाना अध्यक्ष को भी अवगत कराया कि हम लोगों की जान को भी खतरा, मुझे थ्रेट कॉल भी आई। एक्चुअली क्या है कि ये फर्जी लेटर जारी करते हैं, फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जाते हैं, बैंकों में बड़े बड़े घोटाले कर दिए इन्होंने। कुल 6-7 करोड़ रुपए निकाल के ये लोग खा गए, फर्जी बिल बना के, फर्जी काम करके। कौन लोग हैं ये? है मुख्य रूप से रहनुमा खानम, सलमान खान, महेंद्र सिंह, अभिनव त्यागी और इनके कुछ साथी हैं जिनके खिलाफ FIR। जैसा आप बताएंगे खिलाफ 6 FIR हो चुके, गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी? गिरफ्तारी एक की हुई थी बस, वो 2022 में एक कूड़ा उठाने वाले की, बाकी आज तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं करी गई। जबकि एक अभियुक्त के NBW जारी हैं 4 बार से, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं करी गई। इनकी कभी किसी की गिरफ्तारी करी नहीं गई, यही मेरा कहना है जी। और हम लोगों की जान को खतरा बना हुआ है, हमने घोटाला ये खोला है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरा।